हांजी जी, मैं एक बात पूछ रही हूँ ईडी का। अरे सुनिए, ईडी का कन्विक्शन रेट है 0.5। ये आप सिर्फ डराने और धमकाने के लिए, और जब तक आपकी पार्टी में नहीं आ जाए तब तक है। मुकुल राय पे, बिलारी बदर पे, हेमंत बिस्वा पे, नारायणे पे, और आपके शिवराज सिंह चौहान पे जो ईडी और सीबीआई के केस हैं, वो जो ठंडे बस्ते में हैं, कुछ को क्लीन चिट मिल गई है, आप उसको खुलवा रहे हैं क्या? और पार्थ चटर्जी भाजपा में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे तो जेल जाएंगे, अगर जाएंगे तो वो भी गंगा स्नान करेंगे क्या? इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा तो उजागर कीजिए, थोड़ी सी तो बात करिए। ये क्या आप इधर उधर की आम और इमली की बात करते हैं, सच्चाई पे आइए ना। 99% केस तथ्य के साथ बोल रही हूँ सुधांशु जी, सिर्फ अपोजिशन में हुए हैं ईडी के, सीबीआई के, आईटी के केस। कौन एक ऐसा केस है, गुजरात पोर्ट में 20,000 करोड़ की ड्रग्स मिलती है, उस पर ईडी का केस हुआ क्या? बता दीजिए। कभी 300 करोड़ की मिलती है। अभी सबसे बड़ा घोटाला 6,00,000 करोड़ का एनपीए घोटाला हुआ है, उस पर ईडी का कुछ हुआ क्या? आप नोटबंदी 15,00,000 करते करते पूरे देश के घर के पैसे को बैंक में जमा कर दिया, लेकिन जिन पे करना चाहिए था उनको तो आपने विदेश भगा दिया, उन पर ईडी का केस होगा क्या? ये किसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, किसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? आप तो डरा के धमका के ईडी का जितना बड़ा दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं, ये तो अभी कुछ और टाइम पास होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ही आपको बोलेगा कि किस तरह आपने दुरुपयोग किया है। 3 साल से इसका पद खाली क्यों है ईडी का? आप एक्ट पढ़ के आइए पहले, ईडी का पद खाली क्यों है, जिसपे पॉलिटिकल से बाहर का एक व्यक्ति उसका अध्यक्ष होता है, मैं पढ़ के सुना दूंगी, वो पद 3 साल से रिक्त क्यों है? क्योंकि आपके ईडी में इंटरफेरेंस होगी, जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा, इसका जवाब देंगे? पार्थ को बीजेपी में लाने के लिए इतना धमकाना डराना हो रहा है? ये ईडी वीडी कुछ नहीं है, आपको भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष विहीन देश बनाना चाहते हैं। और जिसका सबूत हम आपसे पूछ रहे हैं, जिसका सबूत पूछ रहे हैं कि 99% केस सिर्फ विपक्ष पे क्यों हो रहे हैं, और जैसे ही आपके साथ चले जाते हैं वो गंगा स्नान कर लेते हैं, या तो उनको क्लीन चिट मिल जाती है या तो आपके केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। सुधांशु जी, जवाब दीजिए, कब कार्रवाई होगी ये बताइए प्लीज। सुधांशु जी, इसके बाद शशि जी आ रहे हैं। अंजना जी, पहले आपने देखा भ्रष्टाचार पे कैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है, राम मिलाई जोड़ी, दोनों साथ साथ हैं भ्रष्टाचार पे, हम साथ साथ हैं दोनों। देखिए सब आपसी विद्वेष भूल गए, एक दूसरे से लड़ाई भूल गए, क्योंकि भ्रष्टाचार में तो सब साथ में हैं। हाँ, अब मैं उस पे अरे भाई इसमें क्या संबित पात्रा की क्या बात आप कह रही, संबित पात्रा कौन सी गलत बात बोलते हैं भाई, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपने कन्विक्शन रेट की बात कही। रंजीता रंजन जी, आप सांसद हैं, पूरे देश में आपराधिक मामलों का कन्विक्शन रेट कितना है? 98% लोग विदाउट कन्विक्शन चल रहे हैं जेल में, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार 2% लोग अभी तक कन्विक्ट हुए हैं। मजाक मत बनाइए भाई भ्रष्टाचार का, यदि तथ्य रखिए तो पूरे तथ्य रखिए। और जो मैंने बात कही ईडी के जो केसेस हुए हैं उन सब में अगर रिकवरी नहीं हुई होती तो आप कहती। दूसरा, अगर हमने एक भी केस विड्रॉ कर लिया होता जैसे आप लोगों ने विड्रॉ किया था, चाहे 84 के दंगे के केस हो या 2G के घोटाले के केस हो, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं 2 फैक्ट। अंजना जी, पीएससी पर रिपोर्ट जिस दिन सबमिट हुई थी, जिसके डॉक्टर जोशी अध्यक्ष थे, मैं 2009 से पहले की बात कह रहा हूं, 2G घोटाले की रिपोर्ट सबमिट नहीं होने दी गई, एक हफ्ते के अंदर सपा और बसपा दोनों के नेताओं से जवाब नहीं देंगे, विड्रॉ हुए थे। अरे दूसरी बात, ये जो एक मिनट में पूरी बात, अरे बात पूरा कर ले रंजीत जी, पूरा, अरे भाई आप मेरी पूरी बात को होने, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, तो ये कौन सी चर्चा कर रहे हैं? अरे उसी में आ रहा हूँ। सुधांशु जी, कौन सी चर्चा, मुख्य बिंदु ये है जिसकी वजह से कर लिया था, इसलिए आप लोगों को आगे जाके छूट मिल गई। अब दूसरी बात, अरे भाई बात तो एजेंसी का दुरुपयोग, इन्होंने ईडी पे इतना ज्ञान दिया। रंजीता जी ये बताइए, अरे भाई बात तो पूरा कर लूं। रंजीता जी, ईडी का केस ये जो दर्ज हुआ है, नेशनल हेराल्ड का केस, क्या सरकार ने दर्ज किया है? 2013 अक्टूबर में शुरू हुआ, आपकी सरकार के समय में, दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश में शुरू हुआ, जांच हो रही है दिल्ली हाई कोर्ट से, जो आप लोगों को बेल लेनी पड़ी है राहुल जी और सोनिया जी को, दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पे खाम खामे बोले जा रही है, सरासर झूठ देश के सामने।
कोई जाके चेक कर ले, अक्टूबर 2013 का केस है। और कह रही है साहब डराने धमकाने के लिए क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरू किया, जिसने पीआईएल की थी वो सुब्रमण्यम स्वामी, उस समय भाजपा के सदस्य भी नहीं थे। मतलब किसी भी चीज को भ्रष्टाचार का कवर फायर देने के लिए कुछ भी बोलना शुरू कर देना, मेरे विचार से आपके इसी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते हुए, क्योंकि नेशनल हेराल्ड पे उन्होंने बोला एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, उसके बाद शशि जी फौरन आपके पास आऊंगे। मंत्री जी प्लीज। रंजीत जी, 2015 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि इस केस में कुछ भी नहीं है, 2014 में केस खत्म हो गया, आपने दोबारा 2015 में ईडी का तड़का लगवाया, जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, पैसे किसी, आपको पता है ना 99% शेयर इक्विटी है एजीएल की, और वो कैसे है मालूम है ना, ये भी कि एक भी संपत्ति या कोई भी उसमें सैलरी नहीं उठा सकता, और कोई भी संपत्ति पे किसी भी यंग इंडिया के किसी भी मेंबर का उसमें 1% भी अधिकार होल लाइफ तक नहीं है। तो जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, इसलिए मैंने सुधांशु जी आपको बोला, ये जो ईडी है ना, जो गुजरात में 20,000 करोड़ का ड्रग्स मिला उस पे आप करेंगे, मैडम तो जा रही हैं, राहुल जी भी गए, जब कुछ नहीं है तब भी 60 घंटे पूछताछ हुई, मैडम को पोस्ट कोविड के बाद भी 3 दिन बुलाया, और हम कानूनी प्रक्रिया झेल रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आप मुकुल राय पे कब करेंगे, गुजरात में जो ड्रग्स मिल रहे हैं उस पे जो ईडी मेन बना है ड्रग्स पैडलर के लिए, उस पे कार्रवाई कब करेंगे। आप जो टेरर फंडिंग हो रही है जिसमें आपके आईटी सेल के लोग फंस रहे हैं, आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, असम से लेके जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान तक, या आपके आतंकवादी आपके नाम के साथ जुड़ रहे हैं, अमित शाह होम मिनिस्टर के पीछे उनकी फोटो आ रही है, उन पर ईडी का कुछ केस वेस होगा।